MI 11T जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है, साथ ही साथ जो कि Redmi का तरफ से ये आ रहा है मोबाइल, जो कि Xiaomi का ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, जो कि इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इस मोबाइल के फुल रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ इस मोबाइल के फीचर्स फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस मोबाइल के फीचर्स फैसिलिटी और फुल रिव्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 8GB का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छा भी है। साथ ही साथ इस मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो वो आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 256GB का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो बैक कैमरा भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रिपल बैक कैमरा होगा, जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देता है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ HDR में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और LED फ्लैश लाइट भी होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेल्फी कैमरा, तो वो आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो क्लिक करके देगा, जो बहुत अच्छा है, जो कि 4K आप लोग वीडियो भी इस मोबाइल से शूट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस मोबाइल में आपको गेम भी खेलोगे तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसका ग्राफिक भी बहुत अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा वाला है। तो आगे जानेंगे इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो बैटरी आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 5000mAh का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है। और अब हम इस मोबाइल की फास्ट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फास्ट चार्ज भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा है, जो कि 65 वाट से फास्ट चार्ज करके देता है, जो कि आपके मोबाइल को फुल चार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही फास्ट है, तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये आप लोग को मोबाइल जो कि 5G देखने को मिल जाता है, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, 2 SIM 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, यानी कि डुअल सिम वाला ये फ़ोन होगा, जो बहुत अच्छा है। प्रोसेसर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को स्नैपड्रैगन 875 का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के लिए भी ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की डिस्प्ले साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले साइज़ आप लोग को 6.637 इंचेस का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले साइज है। और इस मोबाइल में जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही फास्ट होगा। अगर आप लोग गेम वेम खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, स्लो टच का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि इस मोबाइल का लुक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिल जाता है, जो कि बैक में भी ग्लास होगा और फ्रंट में भी ग्लास होगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं, तो फिंगरप्रिंट भी आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जो कि अंडर डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ बहुत ही फास्ट क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस मोबाइल में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 स्पीकर होगा, जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से साउंड आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 11 वर्जन का देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल की अब हम वेट के बारे में बात करते हैं, तो वो आप लोग को 216 ग्राम का देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा वेट है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, जो कि ठीक ठाक है, थोड़ा आप लोग को भारी लग सकता है, जो कि फिर भी ठीक ठाक है। अब हम इस मोबाइल की थिकनेस के बारे में बात करते हैं, तो वो आप लोग को 9.4mm का 3mm का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पतला मोबाइल होगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा, जो कि ठीक ठाक है, आपके हाथ में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका लुक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इस मोबाइल की हाइट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 165.1mm का देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ा हाइट होगा, जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि मोबाइल बहुत ही बड़ा होगा। साथ ही साथ जो कि विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि चौड़ाई, तो वो आप लोग को 76.4mm का देखने को मिल जाता है, यानी कि मोबाइल पतला है, लंबा है और देखने में भी बहुत अच्छा है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इस मोबाइल में आपको 3 कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लैक, ब्लू और वाइट, जो कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है, आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो।
अब हम जान लेते हैं कि इस मोबाइल का प्राइस कितना होगा, तो वो आप लोग को 38,000 का देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से भी ले सकते हो। और अब हम जान लेते हैं कि अगर आप लोग खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स में तो सबसे पहले आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट कवर, साथ ही साथ एक पिन दे दिया जाएगा जिसकी वजह से आप अपना सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ एक आपको चार्जर दे दिया जाएगा जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, और USB टाइप सी डाटा केबल भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी होगा। तो ये सब आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिल जाता है, और यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।